अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर 10 है जनरल मैथ का। एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपके पास, अ ट्रायंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स टू वन अनदर। अब यहाँ पर आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप डायरेक्ट साइड्स को कंपेयर करते हैं या फिर आप इसको लेट कर लेते हैं कि ए बी सी साइड है, ठीक है, यानी ए बी बी सी एंड सी डी। मैं हम डायरेक्ट करेंगे, पहले इन दो साइड्स को कंपेयर करेंगे, 3:4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, 3:4 आपके पास फर्स्ट आ गया। सेकंड साइड कंपेयर करने लगे हैं हम 3 सेंटीमीटर से ही। थर्ड साइड को कंपेयर करेंगे विच इज 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। फर्दर नहीं होता ये। थर्ड अप पे आ जाए आप, थर्ड क्या हो जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर = 6 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6। यही तीनों रेशोज थी आपके पास, सॉल्व हो गई, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, टू एंगल इन अ ट्राइंगल आर 54° एंड 72°। फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू। पहले दो को ऐड करना है और उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है थर्ड एंगल से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो एंगल्स हमारे पास हैं, हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट एंगल बी एक्स, ठीक है, थर्ड एंगल बी एक्स। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल, ट्राइंगल है तो मतलब ट्राई का मतलब तीन, एंगल मतलब तीन एंगल बनेंगे इसमें, विच इज इक्वल टू 180°। जब आप इनको ऐड करेंगे, एक्स एज इट इज रहेगा, 126 बनेगा। अब यहाँ पर देखें, 126 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 126°। थर्ड एंगल आएगा आपके पास 54°, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल जो आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है, टू द सम ऑफ फर्स्ट टू। फर्स्ट टू क्या थे, 54° प्लस 72°, रेशियो बनानी है थर्ड एंगल की, यानी 126° रेशियो 54। कैंसिलेशन करेंगे इसकी, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 24, सॉरी 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। थ्री 9 = 27, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 21। यही क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया और हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अलीस फादर्स अर्न अ सैलरी ऑफ ₹40,000 इन अ मंथ। एक महीने में ₹40,000 उनकी इनकम है, जिसमें से उनके फादर का मंथली खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर्स आर खर्चा ₹35,000। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज फादर्स इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है, 40,000, रेशियो फाइंड करने लगे हैं एक्सपेंडिचर से, विच आर 35,000। ये जीरोस कैंसिल हो गए, रिमेनिंग क्या रह गया, 40:35। 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, विच इज़ योर आंसर। नेक्स्ट देखें, सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स। अब यहाँ पे सेविंग्स नहीं है हमारे पास, हमारे पास सेविंग्स कैसे आएंगे, जब हम टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे उनके एक्सपेंसेस को,
माइनस किया विच इज इक्वल टू रुपीज, सॉरी 5000, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स है तो 35000 टू 5000, जीरोस कैंसिल हो गए। सेवन रेशो वन आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है आपके पास इसका पार्ट, थर्ड पार्ट, इनकम टू सेविंग। इनकम टोटल कितनी थी उसकी, 40000, सेविंग कितनी थी 5000, कैंसिल हो जाएंगे। 40:5, 8:1, यहाँ पे रुपीस लाजमी लगाएंगे हम, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर रुपीस लिखना है साथ। बेशक वो कैंसिल हो जाएंगे लेकिन आप क्या करेंगे, रुपीस साथ में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में भी किया था कि अ स्क्वायर हैज साइड 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर बी हैज साइड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो, लेंथ दोनों की है फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ स्क्वायर ए रेशियो लेंथ ऑफ स्क्वायर बी, ए की कितनी है 6 सेंटीमीटर और बी की कितनी है 8 सेंटीमीटर। 6:8, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 4 = 8। इसी का सेकेंड पार्ट है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। स्क्वायर ए है एरिया और स्क्वायर बी, एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए एरिया ऑफ स्क्वायर बी, ए का एरिया कैसे आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये जहन में रखना है आपने कि आप एरिया की जगह पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और पैरामीटर की जगह पर पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए था 6 सेंटीमीटर और बी है आपके पास 8 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिलेशन करेंगे इसकी रेशो के लिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। अब देखें एक ओड आ गया, नंबर एक इवन आ गया, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस लेक्चर का भी। अ फैमिली हैज 12 पेट्स, टोटल उसके पास कितने हैं, 12 पेट्स हैं, ऑफ विच 6 आर कैट्स, 6 बिल्लियां हैं, 2 कुत्ते हैं और बाकी क्या हैं, बर्ड्स। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, अब पहले हमने बर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। हम क्या करेंगे, टोटल पेट्स में से जो कितने थे 12, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ कैट्स एंड नंबर ऑफ डॉग्स, 6, 7, 8, 12 − 8 = 4। ये क्या है, नंबर ऑफ बर्ड्स। फर्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ बर्ड्स टू डॉग्स, बर्ड्स कितने थे आपके पास 4 आए थे और डॉग्स कितने थे 2, विच इज 2:1। नेक्स्ट है रेशो बर्ड्स टू पेट, बर्ड्स कितने थे 4 और आपके पास टोटल पेट्स कितने थे 12, 4 × 4 = 4 एंड 4 × 3 = 12, आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।